हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के DDAJEE में जितने ही पेपर हुए थे उन सभी का एक एक करके डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक 5 पेपर आपके सॉल्व करा दिए हैं। इसमें हम आपका 2018 में जो पेपर हुए थे उनका भी और 2023 में जो पेपर हुए थे उनका भी डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हम क्वेश्चन के साथ उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है उसे भी देखते हैं, जिससे आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके, आपको एक आइडिया लग सके क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं, ठीक है। बाकी यदि हम बात करें 23 में जो हमारा पेपर हुआ, तो एज कम्पेयर टू 2018 उसमें जो है क्वेश्चन का लेवल अच्छा दे रखा है। TCS ने पेपर जो लिया है उसमें आपका एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वो ज़्यादा आ रहे हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी भी आने की ज़्यादा है, तो आप उन पर फोकस बनाए रखिएगा। आज जो हम अपना पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो 23 अप्रैल 2018 में जो Shift 1 में हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। बाकी आपको एनालिसिस भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर 23 अप्रैल की यदि हम बात करते हैं जो पेपर हुई थी उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके BMCTs 20 आ रखे हैं, तो इस प्रकार से एनालिसिस भी आप देख सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स आपका DDAJEE का प्रिपरेशन इस साल के लिए कर रहे हैं वो हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका नॉमिनल फीस ओनली 49 रुपीज में है आपका, ठीक है। और इसमें आपका 110 जो है टेस्ट है टोटल, जिसमें 40 आपका सिविल का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, 15 रीजनिंग, 15 GK, 15 मैथ और 15 इंग्लिश की टेस्ट है और 10 आपके फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलते अपने क्वेश्चन पे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक बार देखते हैं क्या दे रखा है। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल हेड लाइन एंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट्स द, ठीक है। आप कह रहा है कि जो आपका टोटल एनर्जी लाइन, ठीक है, या टोटल हेड लाइन जिसको कह रहा है, और जो आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन HGL है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो हमें क्या बताता है, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है। अच्छा चलिए, यदि हम बात करते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन HGL की, ठीक है, HGL की यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है, HGL की बात करते हैं तो आपका प्रेशर हेड, प्रेशर हेड पी अपॉन रो जी प्लस डेटम हेड या काइनेटिक हेड, और यदि हम बात करते हैं अपने टोटल एनर्जी हेडलाइन की, ठीक है, TEL की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, TEL की बात करते हैं उसमें क्या आता है आपका P अपॉन रो जी प्लस जेड प्लस आपका जो है वेलोसिटी हेड भी आ जाता है आपका वी स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस पूछ रखा है, तो ये दोनों का डिफरेंस करते हैं तो ये आपका कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, माइनस करेंगे तो जेड भी जाएगा, ये भी बचेगा क्या आपका वी स्क्वायर अपॉन 2G, जो कि आपका क्या है, ये है आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी हेड आपका। इस तरह सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर D। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे इन एन यूनिफॉर्म लेमिनार फ्लो थ्रू ए कंड्यूट द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वेरीज, ठीक है। आपका यदि कोई लेमिनार फ्लो है, ठीक है, और किसी कंड्यूट से वो फ्लो कर रहा है, कह रहा है कि आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं HL की, ऑप्शन दे रखा है इनवर्सली एज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, ओके, एज स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ द कंड्यूट, कह रहा है एज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, और कह रहा है इनवर्सली एज द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ओके। यदि हम बात करते हैं HL की, ठीक है, HL की यदि हम बात करते हैं तो HL आपका क्या होता है, HL की यदि हम बात करते हैं तो आपका 32 μ आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी VL अपॉन गामा डी स्क्वायर, ठीक है, चल होता है। यदि आपका लेमिनार फ्लो है तो लेमिनार फ्लो के लिए आपका जो चेंजिंग होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट में वो आपका वेलोसिटी के अकॉर्डिंग होता है, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग चेंजेस होता है, ठीक है, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग आपका चेंजेस होता है और उसके प्रोपोर्शनल होता है। और यदि बात करते हैं अपने जो है विस्कोसिटी के, इसके भी प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यदि हम क्वेश्चन को देखें तो कह रहा है किसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, तो आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो के अकॉर्डिंग वेरी करता है, तो ऑप्शन डी सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ प्रोसीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इन बॉसिकनेस इक्वेशन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन आर मेड एक्सेप्ट, ठीक है। जो हम बॉसिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, स्ट्रेस जो कि आपका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है,
उसके एग्जम्पशंस दे रखे हैं यहाँ पर, कह रहा है इनमें से कौन सा एग्जम्पशन उससे अलग है जो कि एग्जम्पशंस नहीं है। तो कह रहा है सॉइल मास इज सेमी इनफाइनाइट, द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सॉइल इज कॉन्स्टेंट, सॉइल इज होमोजेनियस, सॉइल इज एन आइसोट्रॉपिक। यदि हम एग्जम्पशंस की बात करते हैं अपने बोसिकनेस इक्वेशन की, क्या होता है सॉइल जो है आपका होमोजीनियस, सेमी इनफाइनाइट, इलास्टिक और आइसोट्रोपिक होना चाहिए, आपका हुक्स लॉ के लिए वैलिड होना चाहिए। यदि आपका एप्लीकेशन ऑफ लोड के कारण यदि सॉइल में कोई चेंज होता है तो हम उसको जो है एप्लीकेशन ऑफ लोड को हम निग्लेक्ट मानते हैं, ठीक है। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस का होता है, ठीक है, वो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग होता है, सेल्फ वेट को हम निग्लेक्टेड इसमें मानते हैं। तो आपका कह रहा है कौन सा इनमें से नहीं है, सॉइल मास इज सेमी इनफाइनाइट, ये बात सही है, द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ सॉइल इज कॉन्स्टेंट, ये बात सही है, सॉइल इज होमोजीनियस, ये बात सही है, एजम्पशन में आपका आता है। कौन सा नहीं है, तो सॉइल इज एन आइसोट्रॉपिक दे रखा, जबकि सॉइल क्या होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक, तो ये जो है आपका एजम्पशन नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द यूनिट मास इन केजी पर क्यूबिक ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज, ठीक है, आपका स्ट्रक्चरल स्टील के लिए यूनिट मास पूछ रखा है। तो आपका डिफरेंट प्रॉपर्टीज की हम स्टडी अपने स्टील के लिए करते हैं, तो आपका यूनिट मास की यदि हम बात करते हैं तो 7850 केजी पर मीटर क्यूब लेते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी की यदि हम बात करते हैं 0.769 × 10⁵ होता है। पॉइजन रेशियो की बात करते हैं 0.3 आपका इलास्टिक रेंज में और प्लास्टिक रेंज में 0.5। कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इस पर भी क्वेश्चन पूछ रखा है आपका 12 × 10⁻⁶ रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 7850 केजी पर क्यूमिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट ग्रेविटी टाइप फिल्टर यूज फॉर वाटर प्योरिफिकेशन। ओके, अब वाटर प्योरिफिकेशन के लिए आपका बात कर रहा है कि यदि हम ग्रेविटी टाइप, यहां पर प्रॉब्लम क्या है, ग्रेविटी टाइप फिल्टर की यदि हम बात करते हैं, ग्रेविटी टाइप फिल्टर, अब ये दो प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं आपका, एक स्लो ग्रेविटी टाइप का स्लो सैंड फिल्टर होता है, स्लो सैंड और रैपिड सैंड। अब क्वेश्चन में ये क्लियरिफाई नहीं कर रखा है किसके लिए पूछ रखा है, ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है इस, अब यहां पर यदि हम देखते हैं स्किल्ड सुपरविजन इज एसेंशियल, ये आपका किस में आता है, तो रैपिड सेंड फिल्टर में आता है। यदि ऑपरेशनल कॉस्ट हाई होता है तो ये भी रैपिड सेंड में आता है। डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट इज हाई, ये भी आपका रैपिड में आता है। इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चेक करते हैं तो ये सब रैपिड के हैं, लेकिन कोगुलेशन इज नॉट एसेंशियल, ये आपका जो है स्लो में आता है, क्योंकि स्लो में जो है कोगुलेशन हम नहीं करते हैं, कोगुलेशन फ्लोकुलेशन की जरूरत, आपका प्लेन सेडिमेंटेशन होता है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है ना वो इनकरेक्ट है, तो इस अकॉर्डिंग हम देखते हैं केवल, तो आपका ऑप्शन डी इज जो है वो फॉल्स है, ये मतलब फॉल्स है यहाँ पर, ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज पर IS 456 लैप स्प्लाइसिस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर बार्स विथ डायामीटर ग्रेटर देन, ठीक है, आपका लैप स्प्लाइसिस की यहाँ पर क्वेश्चन में बात कर रखा है, ठीक है, कह रहा है कि आपका जो है वो बार के डायामीटर के कितने से ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन देगा 30, 36, 20 और आपका 32। यदि हम लैप स्प्लाइसिस की बात करते हैं तो क्या करते हैं, लैप स्प्लाइसिस हमारे दो बार्स को कनेक्ट करते हैं, जोड़ती हैं, ठीक है, और जो लैप स्प्लाइसिस हैं वो 32 mm, ठीक है, 32 mm से ज्यादा बार डायामीटर के बार के लिए हम एज पर IS 456 यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यदि इससे ज्यादा हो जाएगा तो हम या तो उसको वेल्डिंग करेंगे या कोई मैकेनिकली जो है उसमें प्रोसेस करके जोड़ेंगे, बट उसमें हम स्प्लाइसेस को आपका प्रोवाइड ऐसे नहीं करेंगे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ प्रोसीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फास्टनर सेल नॉट बी लेस देन वाई टाइम्स ऑफ द नॉमिनल डायामीटर ऑफ द फास्टनर वेयर वाई इज, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपका डिस्टेंस का जो आपको फास्टनर्स है, ठीक है, ये हमारे जो फास्टनर्स हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, फास्टनर्स के बीच का डिस्टेंस कह रहा है वो आपका कितने टाइम्स आपका नॉमिनल डायामीटर के, ठीक है, से लेस देन नहीं होना चाहिए।
है, यदि हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन अपने बोल्टिंग की, तो मिनिमम पिच जो रखते हैं वो डायामीटर का 2.5D रखते हैं, क्वेश्चन यही पूछ रखा है। मैक्सिमम पिच की बात करते हैं तो टेंशन में आपका 16T या 200 mm जो इनमें मिनिमम हो, और कॉम्प्रेशन में 12T या 200 mm जो इसमें मिनिमम हो। आपका सही ऑप्शन क्या मिल गया इसमें, 2.5, ऑप्शन बी इज करेक्ट, आपका मिनिमम पिच का ये आपको होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट द पोजीशंस रेशियो ऑफ स्टेबल आइसोट्रॉपिक लीनियर इलास्टिक मटेरियल कैन नॉट बी लेस देन, ठीक है, आपका पोजीशंस रेशियो की बात कर रहा है, आपका स्टेबल आइसोट्रॉपिक लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए वो कितने से कम नहीं होना चाहिए, एक्चुअली रेंज पूछ रखा है। तो पॉइजन्स रेशियो की यदि हम बात करते हैं, तो पॉइजन्स रेशियो का आपका रेंज क्या निकल कर आता है, पॉइजन्स रेशियो की जो रेंज निकल कर आती है वो आपका -1.0 से लेकर के आपका 0.5 तक, इससे लेस नहीं होना चाहिए। -1.0 से लेस आपका पॉइजन्स रेशियो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं आपका, यदि कोई आपका इनकम्प्रेसिबल मटेरियल है, ठीक है, जो स्टेटिकली डिफॉर्म्ड है, ठीक है, और उसमें स्मॉल स्ट्रेन है, तो उसके लिए हम 0.5 रखते हैं। रबर है उसके लिए पॉइजन रेशियो नियरली 0.5 होती है, कॉर्क के लिए पॉइजन रेशियो 0 होती है, याद रखिए कॉर्क के लिए 0 होती है। तो हमारा मिनिमम कितना, इससे कम नहीं होना चाहिए, तो 1 -1 से कम नहीं होना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ प्रोसीडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है ए सिंपली सपोर्टेड बीम शैल बी डीम्ड टू बी ए डीप बीम व्हेन द रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ इज लेस देन। अच्छा, इस पे क्वेश्चन जो है ना पिछले पेपर में भी पूछ रखा है, पिछले में आपको कॉन्टिन्यूअस के लिए पूछ रखा था, यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड के लिए क्वेश्चन में पूछ रखा है। यदि हम बात करते हैं अपने सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, ठीक है, जो डीम बीम है उसके लिए आपका स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ जो रेशियो लेते हैं वो आपका लेस देन जो है 2 लेते हैं, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड के लिए, और कॉन्टिन्यूअस के लिए लेस देन आपका 2.5 लेते हैं। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेस देन 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है इन ए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन ए पाइप फ्लो द माइनर लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रेक्शन इज ड्यू टू, ठीक है, आपको पाइप फ्लो में कह रहा है सडन कॉन्ट्रेक्शन के कारण जो माइनर लॉस आता है वो किस कारण होता है, ठीक है। एक्चुअली जब हम लॉसेस की बात करते हैं अपने पाइप में, पाइप फ्लो में जब लॉसेस की जनरली बात करते हैं, दो प्रकार के होते हैं, आपका माइनर लॉसेस होते हैं और मेजर लॉसेस होते हैं। माइनर लॉसेस जो होते हैं एक्चुअली जो आपका क्रॉस सेक्शनल चेंजिंग जो होता है ना, ठीक है, आपका जो क्रॉस सेक्शनल चेंजिंग होता है वहां पर माइनर लॉसेस आते हैं, लेकिन यदि हम मेजर लॉसेस की बात करते हैं ये आपका एक्चुअली फ्रिक्शन के कारण जो मेजर लॉसेस आपके पाइप में आते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होता है आपका एनर्जी का जो मैक्सिमम लॉस जो होता है ना, सिग्निफिकेंट लॉस जो होता है वो फ्रिक्शन के कारण ही आपका होता है। और माइनर लॉसेस में आपका जैसे सडन एक्सपेंशन, सडन कॉन्ट्रेक्शन आपका बेंड के, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पर सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहां पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, एक्सपेंशन ऑफ फ्लो आफ्टर सडन कॉन्ट्रैक्शन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर व्हाइल ड्राइंग मोहर्स एनवलप द रिलेशनशिप कैन बी कंसीडर्ड टू बी ए स्ट्रेट लाइन इफ द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज एज्यूम टू बी, ठीक है, आपका कोई हम जब मोहर सर्कल आपका बना रहे हैं, जो मोहर सर्कल का एनवलप बनता है उसमें कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन यदि बन रहा है, ठीक है, आपका इफ द इंटरनल, अच्छा कब आपका जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, किस इंटरनल फ्रिक्शन एंगल पे आपका स्ट्रेट लाइन बनता है, ये रहा हमारा मोहर सर्कल का एनवलप, जिसमें ये हमारा फेल्योर एनवलप है, ठीक है। तो जब आपका फेल्योर एनवलप जो है वो आपका कांस्टेंट हो, जब ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, जब ये कांस्टेंट होता है तो हमारा स्ट्रेट लाइन मिलकर आता है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका जो है कांस्टेंट, हमारा जो इंटरनल फ्रिक्शन एंगल जो है वो कांस्टेंट रखते हैं इस स्ट्रेट में, हमारा मोहर सर्कल जो है वो स्ट्रेट लाइन मिलकर आता है। सही ऑप्शन क्या होगा, ए, हम क्या रखेंगे अपने इंटरनल फ्रिक्शन एंगल को कॉन्स्टेंट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट, इट इज द नोन फैक्ट दैट द डिक्लिनेशन एट एनी प्लेस कीप्स चेंजिंग एंड डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम टू टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है, कह रहा है कि आपका किसी भी स्थान पर जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, उसमें जो डिक्लिनेशन की चेंजिंग होती है, इफेक्ट है आपका टाइम के साथ, आपका कॉन्स्टेंट तो रहते नहीं है,
तो कह रहा है इनमें से कौन सा आपका एक डिक्लिनेशन का टाइप नहीं है, ठीक है। तो डिक्लिनेशन के टाइप्स की हम बात करते हैं, तो सेकुलर वेरिएशन होता है आपका डिक्लिनेशन में, एनुअल वेरिएशन होता है, डाइयूरनल वेरिएशन होता है, इरेगुलर वेरिएशन होता है यहाँ पर, बट मंथली वेरिएशन ऐसा कोई आपका डिक्लिनेशन में चेंजेस नहीं होता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, नॉट ए टाइप ऑफ डिक्लिनेशन पूछ रखा है, तो आपका मंथली ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द आर्ट ऑफ डिटरमाइंड द रिलेटिव पोजिशन दिस इनएक्टिव फीचर्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ और बीनिथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ बाई मीन्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस डायरेक्शन एंड एलिवेशन इज कॉल्ड। डायरेक्टली आपका ये तो सर्वेइंग का डेफिनेशन ही पूछ रखा है क्वेश्चन में, क्या होता है सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेटिव पोजिशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, बिलो द सर्फेस ऑफ अर्थ और आपका एबव द सर्फेस ऑफ अर्थ By means of measurement of distance, direction and elevation. ये आपका surveying का definition ही है। यहाँ पर सही option क्या हो जाएगा? Surveying option number B. चलते हैं next question पे। कह रहा है आपका multiple displacement methods are used in structural analysis. Which of the following is not one of these? ठीक है? आपका जब हम option दे रखा है आपका equilibrium method, method of consistent deformation, आपका movement distribution method और stiffness method. Okay. जब हम बात करते हैं अपने स्ट्रक्चरल एनालिसिस में, हम डिस्प्लेसमेंट मेथड जो अपना करते हैं, जो अपना मेथड यूज करते हैं, दो मेथड यूज करते हैं, ठीक है। एक तो हमारा एनालिसिस के लिए दो मेथड यूज करते हैं, एक हमारा क्या होता है फोर्स मेथड और एक है डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। इसमें जब हम बात करते हैं जो इंडिटर्मिनेसी आती है फोर्स मेथड में, वो आपका स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकल कर आती है, और यदि हम डिस्प्लेसमेंट मेथड में बात करते हैं तो यहाँ पर काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी निकल कर आती है, ठीक है। इसमें हम कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन को लगाते हैं और इसमें आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करते हैं। अब इसके भी डिफरेंट आपके एग्जांपल डिफरेंट मेथड हैं, इसमें कौन कौन सा है आपका मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है, थ्योरम ऑफ लीस्ट वर्क, कॉलम एनालॉजी मेथड, आपका फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, कैस्टिलंगो थ्योरम है आपका, और यदि हम डिस्प्लेसमेंट मेथड में बात करते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कैनिस मेथड, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, कैस्टिलंगो थ्योरम का फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एक्चुअली दे रखा है। अब यदि हम बात करते हैं तो इनमें कौन सा जो है आपका कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट मेथड में नहीं आता है, ठीक है। मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन जो है वो क्या है, इक्विलिब्रियम आता है, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये आपका कौन सा है, ये आपका फोर्स मेथड है, फोर्स मेथड कह रहा है कौन सा नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू IS 800, द मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो फॉर ए मेंबर कैरिंग कॉम्प्रेसिव लोड्स रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड्स एंड इम्पोज्ड लोड। ओके, करा एज पर आई, अब इससे क्वेश्चन आप कई बार पूछ रखे तो ये आपका टेबल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट जाइए क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें जरूर बनेगा आपका, और हर शिफ्ट में बना है इसमें क्वेश्चन। करा अकॉर्डिंग टू IS 800 आपका मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो पूछ रखा है, जिसमें आपका कोई कॉम्प्रेशन लोड आ रहा है किसके कारण, डेड लोड और इम्पोज लोड के कारण, ठीक है। यदि आपका किसी मेंबर पर कॉम्प्रेसिव लोड जो है वो आपका डेड लोड और इम्पोज लोड के कारण आता है, तो उसके लिए जो हम आपका मैक्सिमम इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो जो रखते हैं वन आपका 180 होता है, स्ट्रट के लिए यदि बात करते हैं उसके लिए 180 होता है, यदि सिज्मिक फोर्स और विंड लोड के कारण आपका रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस हो रहा है तो उसके लिए वैल्यू आपका 180 होती है, ठीक है। और यदि आपका मेंबर पर जो कॉम्प्रेसिव फोर्स जो है अर्थक्वेक फोर्स के कारण डिफॉर्मेशन यदि आ रहा है तो जो आ रहा है तो उसको आपका 250 वैल्यू रखते हैं। कॉम्प्रेशन फ्लेंज के यदि हम बात करते हैं, ठीक है, जो कि आपका लेटरल टॉर्जनिंग बकलिंग कारण आ रहा है 300 रखते हैं, और टेंशन मेंबर रेदर देन यदि हम पोस्ट टेंशन लेते हैं तो वो 400 वैल्यू होती थी। यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 180, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो क्या होगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द स्लम्प ऑफ कंक्रीट यूज्ड फॉर हैंड प्लेस्ड पेवमेंट कंस्ट्रक्शन इज रिकमेंडेड बाय द इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, यहाँ पर अब कह रहा है कि जब हम आपका बाय हैंड यदि अपना कंक्रीट बना रहे हैं तो उसके लिए आप कंस्ट्रक्शन पेवमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, आपका मतलब हैंड से प्लेस कर रहे हैं, मैनुअली प्लेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका स्लम्प का वैल्यू पूछ रखा है। तो यदि आपका बाय हैंड हम पेमेंट में प्लेसमेंट करते हैं तो उसके लिए स्लम्प की जो वैल्यू होती है वो वेरी लो होती है, जो कि आप 25 से लेकर 75 के रेंज में आती है। यदि हैवली रेनफोर्स्ड सेक्शन है, बीम है, वॉल है, कॉलम है, ये मीडियम में आता है जिसके लिए 50 to 100 रेंज होती है, और यदि आपका पम्प्ड कंक्रीट है तो वो 75 to 100 होता है।
टेक्निकल फिर इंस्टीट्यूट पाइलिंग है ट्रेंच के लिए, तो वहां पर हाई रखते हैं 100 to 150, और ट्रीमी कॉन्क्रीट के लिए वेरी हाई रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 25 to 75। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ जोन्स इन इंडिया फॉर क्लासिफाइंग एलाउएबल मॉइस्चर कंटेंट फॉर बिल्डिंग टिम्बर एज पर द स्टैंडर्ड्स आर। ओके, एक्चुअली हमारे इंडिया में जो है आपका रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट है, इनएडिक्वेट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने टिम्बर के मॉइस्चर के अकॉर्डिंग भी हम क्लासिफिकेशन अपने इंडियन स्टैंडर्ड से कर रखे हैं, जो कि आपका चार जोन में क्लासिफाई कर रहे हैं, आपका जोन 1, जोन 2, जोन 3 और जोन 4 में। जोन वन में वो एरिया आता है जहां पर आपका इनवर रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है एवरेज वो आपका लेस देन 40% है, आपका जोन टू में 40 to 50%, जोन थ्री में 50 to 67% और जोन फोर में ग्रेटर देन 67% आपका एवरेज इनवर रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। कितने जोन में बांट रखे हैं, चार जोन में, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें इफ द सेंसिटिविटी ऑफ क्ले इज 4, ओके सेंसिटिविटी यहाँ पर देखिए ध्यान करके सेंसिटिविटी की वैल्यू 4 दे रखी है आपके क्वेश्चन में, ओके और आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, और कह रहा है अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ इज 300 यूनिट, तो आपका डिस्टर्ब स्ट्रेंथ पूछ रखा है। आपको पता है सेंसिटिविटी क्या होती है, हम बात करते हैं सेंसिटिविटी की, यदि हम बात करते हैं क्या होता है, तो अनकन्फाइंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आपका जो होता है अनकंसोलिडेटेड सॉइल का, ठीक है, या अनडिस्टर्ब सॉइल का जो है, अनडिस्टर्ब सिंपल लिखते हैं अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ बट अ रिमोल्डेड अपॉन रिमोल्डल मीन्स आपका डिस्टर्ब होता है, रिमोल्डेड या डिस्टर्ब स्ट्रेंथ क्या निकल कर आएगा। सेंसिटिविटी की वैल्यू आपके पहले दे रखी है 4 और आपका अनडिस्टर्ब स्ट्रेंथ जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपका 300 यूनिट, और आपका डिस्टर्ब पूछ रखा है ले जाइए और इसको लाइए 4, तो आपका कितना डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 28 2 75 आपका आएगा 75 यूनिट। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉफ्टेनिंग ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल बट वन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ओके, करेक्ट, सॉफ्टेनिंग ऑफ वाटर की यदि हम बात कर रहे हैं, करेक्ट, इनमें से किस रीजन के लिए आपका नेसेसरी है, करेक्ट, मेक द कुक फूड टेस्टी सॉफ्ट एंड प्लेटेबल, रिड्यूसिंग कोरोजन ऑफ पाइप्स, रिड्यूस द रेट्स ऑफ स्केल फॉर्मेशन ऑफ द बॉयलर और हेल्प रिड्यूस द फ्यूल कॉस्ट। ओके, सॉफ्टेनिंग क्या होती है, ठीक है, आपका सॉफ्टेनिंग वह प्रोसेस होता है आपके वाटर का जो है ट्रीटमेंट का, सॉफ्टेनिंग जो है वह प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो डिजॉल्व केमिकल और मैग्नीशियम आपके जो है उसमें केमिकल्स हैं उनको जो कि आप क्या करते हैं आपके वाटर में हार्डनेस को कॉज करते हैं उसका रिमूवल करते हैं, वो कहलाता है आपका वाटर सॉफ्टेनिंग या सॉफ्टेनिंग ऑफ वाटर। इसका बेनिफिट्स क्या है, तो आपका वाटर से जो है आपका हार्डनेस जो है वो खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब वो क्या होगा कुकिंग के लिए आपके लिए, और आपका कुकिंग में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, आपका फूड को हेल्दी बनाएगा, टेस्टी बनाएगा। ओके, आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, स्प्रिंग एनालॉजी इन सॉइल मैकेनिक्स इज यूज्ड फॉर एक्सप्लेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना। ठीक है, आप स्प्रिंग एनालॉजी की बात कर रहा है आपका सॉइल मैकेनिक्स में किसके लिए यूज करते हैं। एक्चुअली जब हम बात करते हैं स्प्रिंग एनोलॉजी की, तो वो टर्जागी ने दिया था। ठीक है, स्प्रिंग एनोलॉजी थ्योरी को टर्जागी ने दिया था, जो कि आपका 1922 में उन्होंने एक आपका स्प्रिंग पिस्टल मॉडल के द्वारा स्टडी करके दिया था। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस मॉडल में आपका एक आपका सिलेंड्रिकल वेसल होता है जिसमें आपका स्प्रिंग के द्वारा सेपरेटेड नंबर ऑफ जो है आपका मॉडल्स लगे होते हैं, जो कि आपका एक्चुअली जब बात करते हैं एनोलॉजी थ्योरी की, तो ये आपका कॉन्सोलिडेशन ऑफ सॉइल के लिए ये थ्योरी जो है कॉन्सोलिडेशन के लिए ये थ्योरी आपकी दी गई है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड 12269 द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड बी नॉट बी लेस देन। ओके, बहुत इजी एक पेपर दे रखा है आपका, लेकिन अब ऐसा पेपर नहीं बनेगा ये भी ध्यान रखिएगा।
यदि हम बात कर रहे हैं अपने ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, तो इनिशियल सेटिंग टाइम कितनी होती है 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम कितनी होती है, तो 600 मिनट आपकी फाइनल सेटिंग टाइम होती है। यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा क्या मिल जाएगा, तो आपको क्या पूछ रखा है, आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट आपका, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके द फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर, ओके कह रहा है द फ्लैश पॉइंट टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ पेविंग रोड्स ऑफ बिटुमिन एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज। ओके तो आपका फ्लैश पॉइंट की बात कर रहा है, ठीक है, आपका फ्लैश पॉइंट पूछ रखा है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड आपका बिटुमिन के लिए, ठीक है, फ्लैश पॉइंट। यदि हम बात करते हैं आपका पेविंग बिटुमिन के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स की, तो आपका यदि पेनिट्रेशन की बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस 100 ग्राम 5 सेकंड के लिए 0.1 mm तक की बात करते हैं, तो वो आपका VG10 के लिए 80, VG20 के लिए आपका 60, VG30 के लिए 45 और VG40 के लिए 35 रखते हैं। फ्लैश पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो आपका जो है मिनिमम कितना रखते हैं, तो आपका मिनिमम जो होता है वो 220 आपका VG10 के लिए, उसके लिए VG20 के 220 है, आपका VG30 के लिए 220 है, और इसके लिए भी 220 ही होता है। सॉफ्टेनिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वो आपका 40, 45, 47, 40 और 50 होता है आपका ग्रेड्स के अकॉर्डिंग। तो यदि हम बात करते हैं अपना फ्लैश पॉइंट की, तो वो होता है कितना आपका 220। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्क्रीट इन द मेंबर रिप्रेजेंटेड बाई ए कोर टेस्ट शैल बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल इफ द एवरेज इक्वेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ द कोर्स इज इक्वल टू द एटलीस्ट क्यू परसेंटेज ऑफ द क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, वेयर क्यू परसेंट। ओके कह रहा है कि जब अपने कॉन्क्रीट की टेस्टिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, क्यूब लेते हैं, जब उसकी कोर टेस्ट करते हैं, ठीक है, कोर टेस्ट करते हैं, तो कोर टेस्ट में कह रहा है कि हम अपना जो एवरेज इक्विवेलेंट स्ट्रेंथ रखते हैं वो कितना क्यूब स्ट्रेंथ का रखते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअली हम यदि बात करते हैं, तो हम जब अपना कोर टेस्ट करते हैं, जब इक्विवेलेंट अपना क्यूब बना करके उसे कोर टेस्ट की बात करते हैं, तो वो आपका 85 एटलीस्ट 85% रखते हैं आपका क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट ग्रेड के लिए, ठीक है। तो कितना रखते हैं, एटलीस्ट 85% हम रखते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द मिनिमम डेंसिटी ऑफ कोरुगेटेड एंड सेमी कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट शीट्स कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके यहाँ पर जो है हमारे पास जो कोरुगेटेड और सेमी कोरुगेटेड आपका एस्बेस्टस सीमेंट शीट है, उसके लिए आपका जो है एक्सेप्टेबल आपका मिनिमम डेंसिटी पूछ रखा है क्वेश्चन में। यदि हम बात करते हैं एज पर IS 459, ठीक है, तो हम लोड बियरिंग कैपेसिटी की यदि बात करते हैं, तो वह हम हमारा आपका कोरुगेटेड और सेमी कोरुगेटेड सीट्स के लिए 5 न्यूटन पर mm से कम नहीं होनी चाहिए। इम्परमेबिलिटी की बात करते हैं, तो आपका 24 आवर से पहले टेस्ट में जो है वो शो नहीं करना चाहिए। डेंसिटी की यदि बात करते हैं, तो वो आपका 1.4 ग्राम पर cc से आपका लेस देन नहीं होना चाहिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू हैजन्स अप्रोक्सीमेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सैंड इफ द इफेक्टिव डायमीटर इज 0.2, ठीक है, इफ द इफेक्टिव डायमीटर इज 0.2 देन द परमेबिलिटी विल बी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, हैजन जो आपका हैजन्स अप्रोक्सीमेशन परमेबिलिटी सैंड की, ठीक है, उसके लिए थ्योरी के अकॉर्डिंग कर रहा है। यदि आपका इफेक्टिव डायमीटर 0.2 का दे रखा है, तो आपका परमेबिलिटी पूछ रहा है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, कितना रखते हैं आपका, हम k इक्वल टू कितना रखते हैं आपका, तो हम k इक्वल टू रखते हैं cd10 का आपका स्क्वायर रखते हैं, ठीक है, c आपका 0.2 सेंटीमीटर रखा है और सेंटीमीटर पर सेकंड में ही पूछ रखा है। ओके cd10 की वैल्यू दे रखी है, आपका इफेक्टिव डायमीटर दे रखा 0.2, ठीक है, और c की वैल्यू हम कितना रखते हैं, तो आपका दिया नहीं है, तो हम k c की वैल्यू आपका 100 सॉरी c की वैल्यू हम अपना 100 मान के चलते हैं, तो 100 इंटू आपका कितना हो जाएगा d10 का स्क्वायर, d10 की वैल्यू 0.2 दे रखा है, तो 0.2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू यदि फाइंड करें 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऑप्शन सी ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें इन ए सबमर्ज रेक्टेंगुलर वियर एन
अरेंजमेंट फॉर एरेशन ऑफ नेप इज एसेंशियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, कह रहा है कि जब हम सबमर्ज वियर की बात करते हैं तो जो हम नेप का जो आपका एरेशन के लिए जो हम नेप्स का अरेंजमेंट करते हैं वो आपका इनमें से किस रीजन के लिए करते हैं। ठीक है, कह रहा है फॉर हैविंग ए कॉन्स्टेंट हेड डिस्चार्ज रिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, फॉर प्रिवेंटिंग सबमर्जमेंट ऑफ वियर, फॉर मेंटेनिंग वाटर क्वालिटी, फॉर हैविंग हाइजेस्ट वैल्यू ऑफ कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज। एक्चुअली जब हम अपना एरेशन का अरेंजमेंट की बात करते हैं आपका सबमर्ज रेक्टेंगुलर वियर के लिए, तो वह हम प्रोवाइड किस लिए करते हैं? ठीक है, ये हम आपका प्रोवाइड करते हैं आपका कॉन्स्टेंट हेड डिस्चार्ज मिले, ठीक है, जो कि आपका टाइम से इंडिपेंडेंट हो। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर इफ क्लोरीन इज अप्लाइड बियॉन्ड द स्टेज ऑफ ब्रिक पॉइंट देन द वाटर इज कॉल्ड एज। ठीक है, जब हम आपका वाटर का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, वाटर प्यूरिफिकेशन में बात कर रहा है, यदि आपका क्लोरीन जो है, ठीक है, वो आपका ब्रेक पॉइंट से ज्यादा हो गया, बियॉन्ड द स्टेज ऑफ ब्रेक पॉइंट चला गया, ठीक है, तो उसका उसे हम किस प्रकार क्लोरिनेशन कहते हैं? तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरिनेशन, ठीक है, जिसमें आपका ऑप्शन दे रखा है डबल क्लोरिनेटेड, सुपर क्लोरिनेटेड, पोस्ट क्लोरिनेटेड और आपका प्री क्लोरिनेटेड। एक्चुअली जब आप बात करते हैं सुपर क्लोरिनेशन की, ठीक है, जब एपिडेमिक के टाइम पर, एपिडेमिक के टाइम पर क्या होता है, आपका क्लोरिन का एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है लगभग 5 to 15 mg per liter, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है बाद में आपका 1 to 2 mg per liter का आपका क्या आपका रेसिड्यूअल बच जाता है, और ये आपका आपका क्लोरिनेशन जो होता है वो बियॉन्ड द ब्रेकिंग पॉइंट होता है, इसे हम कहते हैं आपका सुपर क्लोरिनेशन। ठीक है, ये कहलाता है आपका सुपर क्लोरिनेशन, और जो वाटर होगा वो क्या कहलाएगा? सुपर क्लोरिनेटेड वाटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइंस हैव द लीस्ट स्पेसिफिक स्पीड। इनमें से किस टर्बाइन की स्पेसिफिक स्पीड जो है लीस्ट होती है? फ्रांसिस के लिए, पिल्टन के लिए, कैप्लान के लिए और इम्पल्स के लिए। ठीक है, यदि हम स्पेसिफिक स्पीड के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हमारी जो इम्पल्स टर्बाइन होती है, ठीक है, उसकी जो स्पेसिफिक स्पीड लो होती है जो कि आपका 0 to 60 rpm के बीच में होती है। यदि हम बात करते हैं अपनी जो है, ठीक है, यदि आपकी बात करते हैं फ्रांसिस टर्बाइन के लिए, ठीक है, फ्रांसिस टर्बाइन के लिए, तो इसके लिए जो होता है आपका मीडियम होता है 60 to 300 rpm होता है, ठीक है, जो कि आपका रिएक्शन टर्बाइन होता है। और ऐसे ही यदि हम प्रोपेलर टर्बाइन या कैप्लान टर्बाइन के लिए बात करें तो प्रोपेलर के लिए 300 to 600 rpm और कैप्लान के लिए 600 to 1000 rpm होता है। इनमें सबसे लीस्ट किसके लिए होता है? तो आपका इंपल्स टर्बाइन के लिए सबसे लीस्ट होता है आपका 0 to 60 rpm। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये रियल फ्लूड इज वन विच, ठीक है, हैज कांस्टेंट विस्कोसिटी एंड डेंसिटी, हैज विस्कोसिटी, हैज जीरो शियर स्ट्रेस, इज इनकम्प्रेसिबल। अच्छा, यदि हम बात करते हैं अपने फ्लूड की, ठीक है, फ्लूड की, तो दो प्रकार से हम बात करते हैं इसकी। एक बात करते हैं हम आइडियल फ्लूड, आइडियल फ्लूड, और एक बात करते हैं अपनी रियल फ्लूड, रियल। ओके, जब आइडियल फ्लूड की बात करते हैं तो आइडियल फ्लूड में हम क्या बात करते हैं? या इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है, आपका जो है या इनकॉम्प्रेसिबल, इनविस्कस होना चाहिए, ठीक है, ये सब बातें हमारी आइडियल फ्लूड के लिए। लेकिन रियल फ्लूड आपका विस्कस भी होगा, ठीक है, आपका डेंसिटी में चेंजेस भी आएंगे इसमें रियल फ्लूड में। तो यदि हम बात करते हैं, कह रहा है रियल फ्लूड कौन सा होगा, ठीक है, इज इनकम्प्रेसिबल नहीं, कॉम्प्रेसिबल रियल फ्लूड होता है, शियर स्ट्रेस होता है रियल फ्लूड का, विस्कोसिटी, हैज विस्कोसिटी, ठीक है, उसके पास विस्कोसिटी होती है। यदि रियल फ्लूड की हम बात करते हैं तो रियल फ्लूड की विस्कोसिटी आपकी होती है, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका रियल फ्लूड के लिए? ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट वॉल्स द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव हाइट ऑफ थिकनेस इज लिमिटेड बाय डिजाइन कोड। ठीक है, आपका रेनफोर्स्ड कंक्रीट वॉल के लिए कह रहा है तो जो इफेक्टिव हाइट और थिकनेस का रेशियो जो डिजाइन में लेते हैं वो आपका कितना लेते हैं? ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं एज पर IS 456:2000 प्लेन और रेनफोर्स्ड कंक्रीट दोनों के लिए, ठीक है, तो रेशियो आपका जो इफेक्टिव लेंथ तो थिकनेस होता है वो आपका 30 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए सर्टेन प्रोजेक्ट
मिनिमम स्पेसिफाइड सीमेंट कंटेंट इज 370 केजी पर क्यूबिक ड्यू टू ए फेल्योर इन द एग्रीगेट क्रशिंग एंड स्क्रीनिंग प्लांट द प्रोजेक्ट मैनेजर इज लेफ्ट विद ओनली 10 mm एग्रीगेट एंड सैंड हाउ इट विल इफेक्ट द मिनिमम सीमेंट कंटेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ना कि आपके किसी प्रोजेक्ट में मिनिमम स्पेसिफाइड सीमेंट कंटेंट वो 370 केजी पर क्यूमिक का ले रखा था, लेकिन क्या कुछ फेल्योर आ गया क्रशिंग और प्लांट में क्रशिंग और स्क्रीनिंग के कारण, तो उसने क्या किया, ठीक है, तो 10 mm का एग्रीगेट को यूज कर लिया, 10 mm का एग्रीगेट जो है उसने यूज कर लिया। तो अब ये कह रहा है कि आपका मिनिमम सीमेंट कंटेंट पे क्या इफेक्ट करेगा। एक्चुअली जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एज पर IS 4 जो टेबल दे रखा है, तो ये आपका नॉमिनल मिक्स है, ठीक है, और ये एडजस्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है। यदि 40 mm में कोई आता है तो 10 mm का यूज करते हैं, ठीक है, 10 mm तो आपका रिडक्शन 10 mm का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम आप क्या करेंगे, आपने वाटर जो आपका सीमेंट कंटेंट है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो आपको 40 mm उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज 40 kg पर क्यूब के हिसाब से इंक्रीज कर देंगे। कितना इंक्रीज करते हैं, 10 mm के लिए हम कितना, 40 kg के लिए 20 mm का चेंजिंग होता तो उसमें कोई इंक्रीज नहीं करते, और 40 mm का होता तो -30 का आपको डिक्रीज करते, ठीक है, रिड्यूस करते। यहाँ पर आपको 40 का, जैसे 10 का चेंजिंग कर रहा है तो 40 का इंक्रीज करेंगे, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीमेंट कंटेंट विल हैव टू इंक्रीज बाय 40 kg पर क्यूबिक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए 10 मीटर साइड स्क्वायर शिफ्ट सेडिमेंटेशन टैंक द फ्लो रेट इज 100 क्यूमिक पर आवर एंड इफ द डेप्थ ऑफ वाटर इज 2 मीटर द डिटेंशन टाइम। ओके, क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रखा है, डिटेंशन टाइम क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रखा है, डिटेंशन टाइम। ओके, तो डिटेंशन टाइम की हम बात करते हैं, तो आपका डिटेंशन टाइम जो निकल कर आता है, क्या निकल कर आता है, डिटेंशन टाइम जो हमारा आता है, ठीक है, तो डिटेंशन टाइम हमारा निकल कर आता है वो आपका क्या निकल कर आता है, तो वो आपका होता है आपका वॉल्यूम ऑफ टैंक, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टैंक टू द आपका डिस्चार्ज, ओके, वॉल्यूम ऑफ टैंक यदि हम बात कर लेते हैं, यहां पर वॉल्यूम क्या निकल जाएगा टैंक का, तो 10 मीटर साइड दे रखा है आपका, ओके, 2 मीटर आपका वाटर का डेप्थ दे रखा है, ओके, तो क्या 10 साइड दे रखा है, तो 10 into तो एक साइड दो साइड 10 into 10 into आपका वॉल्यूम निकालना है, तो हाइट भी दे रखा है कितने का, 2 मीटर का, ओके, अपॉन डिस्चार्ज की बात कर रहा है, तो डिस्चार्ज हमारा कितना रखा है, 100 क्यूबिक पर आवर, तो 100 कितना 200 100, तो लगभग आपको कितना जाएगा डिटेंशन टाइम, 2 आवर का डिटेंशन टाइम आ जाएगा, ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 9103 द मिनिमम वाटर रिडक्शन अचीव यूजिंग ए सुपर प्लास्टिसाइजर एडमिक्सचर इज, ठीक है, आप कह रहा है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 9103 आपका मिनिमम वाटर कंटेंट में कितना रिडक्शन हो जाता है जब आप कोई सुपर प्लास्टिसाइजर एड एज एड मिक्सचर यूज करते हैं, ठीक है, तो सुपर प्लास्टिसाइजर यदि यूज करते हैं एक्चुअली क्या काम करता है, तो ये एक्चुअली आपका वर्केबिलिटी में ही वर्क में आता है, जब आप किसी भी कॉन्क्रीट में सुपर जो है प्लास्टिसाइजर को एज ए एडमिक्सचर यूज करते हैं, तो वो क्या करता है आपका जो है वाटर का रिडक्शन करता है, और कितना रिडक्स करता है, वो आपका 15-30% आपका रिडक्ट करता है, उसको रिड्यूस करता है 15-30%। अब ऑप्शन में 15 का रेंज नहीं दे रखा है, तो आपका अप्रोप्रिएट जो है वो 20%, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए 9 मीटर लॉन्ग स्लैब इज कास्ट ऑन 1st of this month अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ विच डे कैन प्रॉप्स टू द स्लैब कैन बी रिमूव, ठीक है, एक्चुअली ये आपका शटरिंग से क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपका 9 मीटर लॉन्ग स्लैब है, ठीक है, आप किसी मंथ के फर्स्ट डे को जो है वो कास्ट किया गया है, कह रहा है मंथ कितने दिन पे उसको रिमूव हम करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेमवर्क के लिए देख सकते हैं और रिमूवल टाइम को देख सकते हैं, तो हमारा यदि स्लैब के लिए कह रहा है तो स्लैब कितना है हमारा, ये तो है 9 मीटर लॉन्ग दे रखा है, ठीक है, ये हमारा कितना लॉन्ग है, तो ये हमारा 9 मीटर लॉन्ग दे रखा है, ठीक है, तो कितने दिन पर रिमूव करेंगे 9 मीटर लॉन्ग के लिए, ठीक है,
9 मीटर लॉन्ग की बात कराएं, मीन्स आपका स्लैब स्पेन जो ओवर 4.5, यदि आपका स्लैब स्पेन जो है अप टू 4.5 होता है 7 डेज पर रिमूव करते हैं, बट यदि स्लैब आपका जो है ओवर आपका 4.5 है तो 14 डेज पे हम रिमूव करेंगे। ऐसे ही और भी आप देख सकते हैं, हम चलते हैं क्वेश्चन पे, तो कितने दिन पे रिमूव कर सकते हैं, 14 डे पे, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे इन केस ऑफ वेल्ड्स यूजिंग ए लैब ज्वाइंट्स द मिनिमम लैब शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट ज्वाइंट आर टीएमए व्हिच एवर इज मोर वेयर टीएमए। ओके, कह रहा है कि आपका लैप ज्वाइंट के लिए कह रहा है मिनिमम लैप जो है वो 4 टाइम्स, ठीक है, आपका थिनर पार्ट जो होता है उससे 4 टाइम्स जो है वो आपका क्या ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, आपका कह रहा है कि 4 टाइम्स सेट, अच्छा कितने, दोनों में से हम दो चीज लेते हैं, या तो 4 टाइम्स लेते हैं, ठीक है, 4 टाइम्स कह रहा है, या टी टाइम्स, दोनों में से कितना हम, क्या टी एम एम, ठीक है, इनमें से कौन सा लेते हैं। एक्चुअली हम बात करते हैं एज पर IS 800/2007, ठीक है, लैप जॉइंट के लिए जो मिनिमम लैप लेंथ लेते हैं वो आपका 4 टाइम्स थिकनेस ऑफ द थिनर पार्ट या आपका 40 mm, इससे लेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो टी टाइम्स दे रखा है वो कितना होगा, 40 mm, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर द मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर ए सीप डक अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन विथ 40 mm एग्रीगेट इज प्रिसाइज्ड बाय इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम सीमेंट कंक्रीट पूछ रखा है आपका किसी शिप डक के, जो के लिए आपका अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन है, सीवियर में आता है, तो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन के लिए यदि हम एज पर IS 456/2000 मिनिमम सीमेंट कंटेंट पर क्यूबिक मीटर यदि बात करते हैं 40 mm एग्रीगेट के लिए, तो आपका 350 kg पर क्यूबिक मीटर होता है, ठीक है, आपका वेरी सीवियर कंडीशन के लिए। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बट स्लंप जो है ये आपका वर्केबिलिटी को बताता है। ये वर्केबिलिटी को आपको बताता है, अगर कौन सा नहीं बताता है तो ये आपका स्लम, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ओके, आपका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पूछ रखा है, आपका यूनिफॉर्म D60/D10 की बात कर रहा है, ठीक है, तो कह रहा है आपका यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए, ठीक है, यदि हम बात करते हैं यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए CU जो होता है वो 1 रखते हैं, वेल ग्रेडेड के लिए सीयू जो होता है ग्रेटर देन 6 रखते हैं, और आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए सैंड के लिए ग्रेटर देन 6 और ग्रेवल के लिए ग्रेटर देन 4 रखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड तो 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पेपर बहुत ईजी है। कह रहा है द मैक्सिमम सर्फेस ड्राइंग टाइम फॉर ए क्लास ए टाइप प्लास्टिक इमल्सन पेंट इज एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, कह रहा है कि आपका एज पर इंडियन स्टैंडर्ड जो आपका इमल्सन प्लास्टिक इमल्सन पेंट होता है, ठीक है, उसमें जो क्लास ए है उसके लिए मैक्सिमम ड्राइंग टाइम कितना रखेंगे, ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं एज पर IS 15489/2004 मैक्सिमम सरफेस ड्राइंग टाइम यदि क्लास ए और क्लास बी का आपका प्लास्टिक इमल्सन पेंट है तो 45 मिनट्स रखते हैं, ठीक है, यदि क्लास सी और क्लास डी टाइप का प्लास्टिक इमल्सन पेंट है तो 90 मिनट्स रखते हैं, ठीक है, और क्लास ए और क्लास बी है, ठीक है, और हार्ड ड्राइंग टाइम के लिए यदि बात करते हैं, सरफेस ड्राइंग के लिए नहीं, हार्ड ड्राइंग के लिए बात करते हैं 240, इसी तरह क्लास सी और डी हार्ड ड्राइंग के लिए तो 480 मिनट रखते हैं। यहाँ पर सरफेस ड्राइंग की बात कर रहा है और क्लास ए के लिए बात कर रहा है तो कितना रखेंगे, 45 मिनट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट कैन बी यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इनमें से किस कंस्ट्रक्शन के लिए हम रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का यूज करते हैं, डैम, वेयरिंग सरफेस ऑफ रोड, ब्रिज डेक स्लैब और कैनाल, ठीक है, तो हम किसके लिए यूज करते हैं, आपका रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, तो हम डैम्स के लिए रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का यूज करते हैं, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा था मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट द फाउंडेशन विल सेफली कैरी विदाउट द रिस्क ऑफ सीयर फेल्यूर ऑफ सॉइल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सेटलमेंट दैट मे अकर इज कॉल्ड, ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आपको कई बार पूछ रखा है एक सेटलमेंट पे, ठीक है,
यदि कह रहा है कि आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग या कैपेसिटी क्या होगा जिस पर आपका फाउंडेशन जो है क्या कर रहा है, आपका सीयर फेल्यूर को बिना किसी रिस्क के कैरी कर जा रहा है सेफली, तो आपका वह मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं सेफ बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं आपका सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और यदि फेल्यूर तक पहुंच जाए तो बिफोर फेल्यूर जो कैपेसिटी होती है वो क्या कहलाती है, तो वो आपका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कहलाती है। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछ रखा था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द वैल्यू ऑफ पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फॉर रेनफोर्स स्टील शुड बी टेकन एज। ठीक है, यदि हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं आपका स्ट्रक्चरल मेंबर के लिए, तो रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट में, तो यदि स्टील की बात करते हैं, ठीक है, स्टील की बात करते हैं, स्टील के लिए वैल्यू जो होती है 1.15 होती है, और यदि कॉन्क्रीट के लिए बात करते हैं, ठीक है, तो कॉन्क्रीट के लिए यदि हम बात करते हैं तो कॉन्क्रीट के लिए 1.5 रखते हैं। ठीक है, कॉन्क्रीट के लिए कितना रखते हैं, तो हमने कॉन्क्रीट के लिए इसको 1.5 रखते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 1.15। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए प्रिज्मेटिक स्टील मेंबर ऑफ लेंथ एल इज कंप्रेशन हैविंग बोथ इट्स एंड्स रिस्ट्रेंट। ठीक है, आपका कोई आपका इफेक्टिव लेंथ पूछ रहा है एक्चुअली आपका प्रिज्मेटिक स्टील मेंबर के लिए, ठीक है, जिसका लेंथ आपका एल दे रखा है और वो आपका बोथ एंड पर रिस्ट्रेंट, मतलब बोथ एंड उसका फिक्स है। यहाँ पर डिफरेंट कंडीशन आप देख सकते हैं आपका इफेक्टिव लेंथ के लिए, यदि आपका वन एंड फिक्स्ड और वन एंड फ्री है तो उसके लिए हम कितना रखते हैं, तो 12 रखते हैं। यदि बोथ एंड फिक्स है तो बोथ एंड हिंज्ड है तो उसके लिए एल रखते हैं, और यदि आपका बोथ एंड फिक्स्ड है तो उसके लिए 0.65 एल रखते हैं, और यदि वन एंड फिक्स्ड और वन एंड हिंज्ड है तो उसके लिए 0.85 एल रखते हैं। ठीक है, यदि हम बात कर रहे हैं तो कितना, तो आपका बोथ एंड आपका फिक्स्ड है 0.65 एल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन पे। द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ क्लोराइड्स इन पोर्टेबल वाटर इन एब्सेंस ऑफ एन अल्टरनेट सोर्स इज। ठीक है, तो आपका मैक्सिमम परमिसिबल मीन कॉज फॉर रिजेक्शन पूछ रहा है आपका क्लोरीन के लिए आपका पोर्टेबल वाटर में। ठीक है, तो क्लोरीन के लिए हम बात करते हैं, ठीक है, तो क्लोरीन के लिए आपका अलाउएबल जो परसेंटेज है या एक्सेप्टेबल परसेंटेज है वो कितना है क्लोरीन के लिए, तो वो आपका 250 है। ठीक है, और आपका जो मैक्सिमम है वो आपका 1000 लेकर रखते हैं। ठीक है, ऐसे डिफरेंट चीज आप देखते हैं, यदि आपका पीएच की बात करते हैं वाटर के लिए 7 to 8.5 रखते हैं, इसमें भी क्वेश्चन पूछ रखा है आपका। टर्बिडिटी की यदि बात करते हैं तो आपका एक्सेप्टेबल 1 का है और आपका कॉज फॉर रिजेक्शन आपका 10 का है, तो आप चीजें देख सकते हैं। तो हमारा क्लोरीन के लिए आप मैक्सिमम परमिसिबल पूछ रहा है तो आपका 8 1000 होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द इमेजिनरी लेवल सरफेस विथ रिफरेंस टू विच वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स आर मेजर्ड इज कॉल्ड एज। ठीक है, कह रहा है कि आपका जो इमेजिनरी लेवल सरफेस होता है जिसको रेफरेंस मान करके हम वर्टिकल डिफरेंसेस को किसी पॉइंट के मेजर करते हैं वह क्या कहलाता है। एक्चुअली जो आपका इमेजिनरी लेवल सरफेस जिसके, ठीक है, जिसके आपका रेफरेंस लेकर के हम डिफरेंट आपका पॉइंट्स के एलिवेशन को डिस्टेंस को मेजर करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस लेवल सरफेस को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डेटम सरफेस। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी डेटम सरफेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलेंडरनेस रेशियो हैज विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन। ओके, एक्चुअली सिलेंडरनेस रेशियो को पूछा है डायमेंशन क्या होता है। सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है आपका, जो लैम्डा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, लेंथ ऑफ कॉलम, लेंथ ऑफ कॉलम टू द रेशियो ऑफ आपका क्या होता है, आपका केन मिनिमम। केन मिनिमम मतलब आपका केन मिनिमम आपका क्या होता है, ये आपका होता है आपका लीस्ट आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, के मिनिमम मीन्स लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन, ये आपका कितना होता है आपका, ये भी आपका मीटर में होता है और ये भी मीटर में होता है, एक्चुअली ये आपका डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका अकॉर्डिंग टू द लिमिट स्टेट थ्योरी एंड एज टेकन बाई 4, 5, 6 द मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट इन एक्सियल कॉम्प्रेशन इज टेकन एज। ओके, आपका लिमिट स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग कह रहा है,
एज पर आईएस 456 जो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन अपन कॉन्क्रीट में लेते हैं, ठीक है, वो कितना लेते हैं, तो उसकी वैल्यू होती है 0.002। आपका वैल्यू कितनी होती है, वो आपकी जो है मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन आपके कॉन्क्रीट में एक्सियल कॉम्प्रेशन में 0.002 लेते हैं, ठीक है। और यदि आपका कॉम्प्रेशन जो है, ठीक है, नो टेंशन आपका सेक्शन में होता, तो वो आपका 0.0035 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, एक्सियल कॉम्प्रेशन कह रहा है, तो वो 0.002 लेंगे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है इन द स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट यूज फॉर डेवलपिंग द मॉइस्चर डेंसिटी रिलेशनशिप ऑफ ए सॉइल द वेट ऑफ द हैमर इज यूज, ठीक है। आपका स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट जो हम करते हैं, ठीक है, उसमें कह रहा है कि हम जो हैमर यूज करते हैं, ठीक है, जो कॉम्पेक्शन करते हैं कॉम्पेक्शन के लिए, ठीक है, जो हैमर यूज करते हैं उसका वेट कितना होता है। जो कॉम्पेक्शन टेस्ट में हम बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड जो हम लेते हैं स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के लिए कितना, 94 सीसी लेते हैं, ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। नंबर ऑफ लेवर 3, नंबर ऑफ ब्लो कितना होता है 25, ठीक है, ये आप याद कर लीजिए, ये चीजें आपको पूछती है। हाइट ऑफ फ्री फॉल कितना है, तो 30.48 सेंटीमीटर। वेट ऑफ हैमर जो लेते हैं वो 2.495 केजी, और इफेक्टिव जो जो कॉम्पेक्टिव एफर्ट होता है वो 594.29। ये कितना हो जाएगा आपका वेट, 2.495, लगभग लगभग आपका 2.5 केजी। ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही सिंपल पेपर है ये, कह रहा है मैक्सिमम पीएच वैल्यू एक्सेप्टेबल फॉर पोर्टेबल वाटर। अभी बताया आपका पोर्टेबल वाटर के लिए एक्सेप्टेबल जो है आपका पीएच वैल्यू 8.5 होगा, तो सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग इन सीटू डेंसिटी ऑफ कॉम्पेक्टेड सॉइल। आपका कह रहा है किसी आपका सॉइल कॉम्पेक्टेड सॉइल के लिए, ठीक है, कौन सा मेथड जो है डेंसिटी को इन सीटू डेंसिटी को मेजर नहीं करता है। न्यूक्लियर डेंसिटी गेज मेथड भी रखा है, वाटर रिप्लेसमेंट मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। एक्चुअली ये तीनों मेथड है, न्यूक्लियर आपका डेंसिटी गेज मेथड, वाटर रिप्लेसमेंट मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ये तीनों जो है आपका डेंसिटी के लिए आपको यूज में लाते हैं। बट ये कैसल ग्रांडे मेथड जो है, ठीक है, ये आपका लिक्विड लिमिट बताता है, लिक्विड लिमिट बताता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है व्हाट विल बी द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इफ एसबीआई आपका दे रखा है 100 ml, ओके, ऑफ स्लज कलेक्टेड इन 30 मिनट्स ऑफ ड्राइंग वेट आपका 800 mg दे रखा है, ठीक है। यदि हम स्लज इंडेक्स की बात करते हैं, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सेटल्ड स्लज इन ml, और आपका जो है मिक्स्ड लिक्विड आफ्टर सेटलिंग होता है 30 मिनट के, ठीक है। इससे सॉल्व कर लेते हैं, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की हम बात करते हैं, ठीक है, SBI की, यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम ऑफ सेटल्ड स्लज कितना दे रखा है, तो 100 ml दे रखा है आपका सेटल्ड स्लज जो है 100 ml का दे रखा है, 100 सॉरी आपका मिनिमम ड्राई, तो आपका कितना रखा है, ठीक है, तो आपका मिनिमम ड्राई 100 ml ऑफ सॉल्ट कलेक्टेड 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है आपका, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 100, हाँ 100 ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सेटल स्लज, और जो MLS की बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, ये आपको कितना 800 mg पर लीटर दे रखा है ना, तो इसको हम मिलीग्राम में चेंज कर, मिलीग्राम में लेते हैं एक्चुअली इसकी वैल्यू को, कितना हो जाएगा 800 इंटू ना 10^-4 -3 लेते हैं, 10^-3 मिलीग्राम में चेंज कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू आपको निकल कर आएगी 125 mg पर ml पर ग्राम, ml पर ग्राम, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नॉर्मली द एयर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द कॉन्क्रीट आफ्टर फुल कॉम्पेक्शन इज अचीव्ड इज टर्म्ड एज, ओके, कह रहा है कि जब आपका जो है अपने कॉन्क्रीट का फुल कॉम्पेक्शन आपने किया, और आपका जो है कॉन्क्रीट का जो है फुल कॉम्पेक्शन के बाद जो एयर लेफ्ट हो जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो एयर लेफ्ट हो जाता है उसे हम कहते हैं इनट्रैप्ड एयर। अब इसमें दो कन्फ्यूजन पॉइंट है, एक इंट्रेंड एयर होता है और आपका इनट्रैप्ड एयर होता है। इनट्रैप्ड एयर क्या होता है, जो आपका कॉन्क्रीट के फुल कॉम्पेक्शन के बाद, ठीक है, जो आपका लेफ्ट एयर रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं इनट्रैप्ड एयर।
और इंट्रेंड ईयर क्या होता है, तो इंट्रेंड ईयर एक्चुअली जो कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है। ठीक है, अब क्या होता है, जब आपका जो है आपका कॉन्क्रीट कॉम्पेक्शन मिल जाए और फिर भी उसमें कुछ वाटर अवेलेबल बच जाए, तो वो आपका जो एयर बचता है वो इंट्रेंड एयर होता है। आप इंट्रेप्ट की बात कर रहा है क्वेश्चन, ये आपका इंट्रेप्ट की बात कर रहा है। वन सेकेंड, ठीक है, तो आप कॉन्क्रीट में जो फुल कॉम्पेक्शन पर जो एयर बचता है वो आपका इंट्रेप्ट एयर कहलाता है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा द एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए मटेरियल इज यूजली यूज टू एस्टिमेट द, ओके, तो इसको हम आपको कह रहा है जो आपका स्ट्रेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बीच में जो एरिया आपका आता है वो किसके मेजरमेंट के लिए यूज में लाया जाता है। चलिए इसको आप देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये एरिया जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में ये जो एरिया आ रहा है, ठीक है, ये जो एरिया आ रहा है, ठीक है, ये एरिया जो आपका रप्चर तक आ रहा है, ठीक है, जो आपका रप्चर तक आ रहा है उस एरिया को जो है वो आपका मॉडुलस ऑफ टफनेस को बताता है। किसको बताता है? मॉडुलस ऑफ टफनेस को बताता है। बट यदि ये एरिया आपका केवल इलास्टिक लिमिट तक हो, ठीक है, या इलास्टिक लिमिट तक ही जो एरिया है वो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस को बताता है। चलते हैं क्वेश्चन पे। ये अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन करो तो एरिया आपको किसको बताएगा, तो ये एरिया आपको टफनेस ऑफ द मटेरियल, ठीक है, आपका टफनेस बताता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हेन कोरोजन ऑफ स्टील एम्बेडेड इन कंक्रीट टेक प्लेस द वॉल्यूम ऑफ रस्ट इज यूजुअली पी टाइम्स दैट ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ स्टील वेयर पी इज, ठीक है, जो आपका कोरोजन की बात करते हैं, ठीक है, जो आपका आ जाता है तो उसमें रस्ट का वॉल्यूम कितने टाइम हो जाता है आपका कोरोजन के समय, आपका लगभग जब कोरोजन की बात करते हैं आपका जो स्टील एम्बेडेड है कॉन्क्रीट में, ये मान लीजिए किसी उसमें जो है आपका कोरोजन आ गया, तो कोरोजन का जो उसका जो डायमीटर है ना वो आपका 2 to 4 times ओरिजिनल डायमीटर से इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। और ये कोरोजन किसी कारण आता है, तो कार्बोनेशन या क्लोराइड के कारण आपके स्टील में आता है। कितना इंक्रीज होता है? 2 to 4 times। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन ऑन ए कंटूर मैप कर्व्स दैट आर मोर और लेस इक्वली स्पेस्ड डिपेंडेंट, ठीक है, आपका जो कंटूर मैप में जो कर्व्स हैं क्या है वो आपका इक्वली स्पेस्ड है, लेस इक्वली स्पेस्ड या आपका मोर इक्वली स्पेस्ड, मतलब इक्वली स्पेस्ड है, तो क्या बताएंगे? कर इनफॉर्म स्लोप, वैली, स्टीप स्लोप, अ वर्टिकल क्लिफ, ठीक है। यदि आपका बात करते हैं, यदि आपका कंटूर इंटरवल्स जो है या आपका कंटूर मैप में जो कर्व्स हैं यदि वो इक्वली स्पेस्ड कर्व है तो वो आपका यूनिफॉर्म स्लोप को बताते हैं। यूनिफॉर्म स्लोप को यदि आपका इक्वल स्पेस्ड नहीं है तो आपका स्टीप स्लोप को बताते हैं। यहाँ पर इक्वली स्पेस्ड है तो ये आपको क्या बताएंगे? ये आपको यूनिफॉर्म स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और जो 0 meter कंटूर होता है वो कोस्टल लाइन को बताता है, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वाटर फॉर्मेशन दैट आर इम्परमिएबल एंड कंटेन वाटर बट आर नॉट ए कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग ए सिग्निफिकेंट क्वांटिटी आर कॉल्ड एज, ठीक है। कह रहा है डिफरेंट स्टेटा होती है आपके सॉइल के अंदर, तो कह रहा है कि आपका जो है जो इम्परमिएबल है बट उसमें जो है वाटर कंटेन है, उसमें वाटर है बट वो क्या कर सकता है, वाटर को ट्रांसमिट नहीं करता है सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में, वो स्टेटा क्या कहलाता है? तो आपका जिस स्टेटा के थ्रू यदि वाटर अवेलेबल है, उसमें वाटर कंटेन है, ठीक है, बट वो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी में वाटर को ट्रांसमिट नहीं कर पाता है, तो उस स्टेटा को कहते हैं एक्वी क्लूड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्लेट इज ए टाइप ऑफ, स्लेट किस टाइप का आपका रॉक है? करें मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक, आपका प्रोथिलिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। एक्चुअली हम रॉक के जब क्लासिफिकेशन जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं उसमें इग्नियस आता है, सेडिमेंट्री आता है, मेटामॉर्फिक आता है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं स्लेट की, स्लेट अपना किस प्रकार का रॉक है, तो स्लेट आपका जो है आपका मेटामॉर्फिक में फॉयलेटेड टाइप का रॉक होता है, तो मेटामॉर्फिक रॉक होगा सही ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है पोटेंशियल डिग्रेडेशन ऑफ कॉन्क्रीट कैन हैपन इफ द एल्कलीज प्रेजेंट इन सीमेंट रिएक्ट विथ, ठीक है, आपका कह रहा है कि यदि सीमेंट में जो एल्कली अवेलेबल है, ठीक है, वो यदि कॉन्क्रीट में रिएक्शन करता है, ठीक है, तो वो किसको डिग्रेड करेगा, किससे रिएक्ट करके पोटेंशियल डिग्रेडेशन देगा? एक्चुअली कॉन्क्रीट में किस एलिमेंट से आपका जो जो कॉन्क्रीट में एग्रीगेट है
उसमें क्या होगा, जिससे आपका रिएक्शन करके जो सीमेंट में प्रेजेंट आपका एल्कली है वो पोटेंशियल डिग्रेडेशन देगा। ठीक है, यदि हम बात करते हैं अपने यदि सीमेंट में यदि सिलिका परसेंटेज है अपने एग्रीगेट में, सॉरी कंक्रीट के एग्रीगेट में यदि सिलिका प्रेजेंट है, तो ये सिलिका यदि जब आपका एल्कली से रिएक्शन करती है, ठीक है, सिलिका जब एल्कली से रिएक्शन करती है तो आपका क्या करती है, एक हाइग्रोस्कोपिक जेल बना लेती है। ठीक है, क्या होता है जिसमें आपका जो है, और ये कब बनाती है, तो आपके पास यदि मॉइस्चर है, एब्जॉर्ब वाटर है, तो ये क्या करता है आपको वहां पर जेल बना लेता है, जो कि आपको कंक्रीट में आपका एक्सपेंशन दिखाता है, क्रैकिंग दिखाता है आपका ओवर पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, तो सिलिका जो है वो यदि आपका एग्रीगेट में अवेलेबल है, और यदि सीमेंट में जो है अवेलेबल एल्कली से यदि रिएक्शन कर लेता है तो वो आपका पोटेंशियल डिग्रेडेशन आपको शो करेगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एब्रेशन रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल एग्रीगेट्स यूज फॉर कॉन्क्रीट टूल मेकिंग इज यूजली मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेथड। एक्चुअली एब्रेशन रेसिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका एब्रेशन रेसिस्टेंस की हम बात करते हैं, ये एब्रेशन रेसिस्टेंस क्या बताता है आपका, ये आपका हार्डनेस को बताता है। एब्रेशन रेसिस्टेंस की हम बात करते हैं तो एब्रेशन रेसिस्टेंस क्या बताता है, एक्चुअली एब्रेशन रेसिस्टेंस क्या बताता है, ये हमारे एग्रीगेट के हार्डनेस को बताता है, और एग्रीगेट को हार्डनेस के लिए मेजर करते हैं किसके द्वारा, तो लॉस एंजल टेस्ट के द्वारा हम मेजर करते हैं। ठीक है, लीच एट लीवर से तो हम आप क्या मेजर करते हैं, तो आपका साउंडनेस मेजर करते हैं, तो आपका हार्डनेस जो मेजर करते हैं वो लॉस एंजल टेस्ट से करते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द सर्वे लाइन मेजर्ड इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो आपका कह रहा है कि आपका सर्वे लाइन जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, जो ट्रू मेरिडियन से, जो ट्रू मेरिडियन से आपका हॉरिजॉन्टल एंगल बन रहा है, उसकी बियरिंग आपके क्या कहलाएगी। ठीक है, जब आपका ट्रू मेरिडियन सर्वे लाइन के, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाता है, हॉरिजॉन्टल एंगल बनाता है, तो वह एंगल आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है ट्रू बियरिंग। ठीक है, जो एंगल बनती है वो क्या कहलाती है आपकी, ट्रू बियरिंग। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ले आउट ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इन पाइप इज सुटेबल फॉर वेल प्लांट रोड्स एंड स्ट्रीट्स। ठीक है, आप कह रहा है कि आपका वेल प्लांट यदि कोई रोड है, कोई स्ट्रीट है, तो उसके लिए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम किस प्रकार के ले आउट सिस्टम का उपयोग करेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ले आउट सिस्टम, जिसमें आपका डेड एंड सिस्टम है, ग्रिड आयरन सिस्टम है, आपका रेडियल सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं एक एक करके, तो यदि हम बात करते हैं अपने डेड एंड सिस्टम की, ठीक है, डेड एंड सिस्टम को हम ट्री सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें आपका क्या होता है, आपका एक सप्लाई लाइन होती है जो कि आपका ओरिजिन होते हैं, जिससे नंबर ऑफ सब पाइप जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, सब सब ब्रांच पाइप में ये आपके बटे हुए होते हैं, जिससे आपका ये एक्चुअली ओल्ड सिटी के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के वर्क में लाया जाता है। ठीक है, जहां पर इरेगुलर ग्रोथ हो। ठीक है, यदि ग्रिड आयरन सिस्टम की बात करते हैं, ये आपका, इसको हम रेक्टुलेशन सिस्टम या इंटरलेक्टेड सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपका मेन और सब मेन में आपका जुड़ा हुआ होता है। एक्चुअली इसमें एक आपका बेनिफिट क्या है कि यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ गया एक एंड पर, तो वहां हम क्लोज करके दूसरे एंड पर आपका सप्लाई जारी रहता है, और वहां पर उसका सोल्यूशन हम कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी बात करते हैं, ये भी आपका वेल प्लांट सिटी के लिए सुटेबल होता है, बट ठीक है, ये भी आपका जो है ग्रिड सिस्टम भी वेल प्लांट के लिए होता है, लेकिन वो आपका वेल प्लांट रोड और स्ट्रीट के लिए नहीं होता है, वेल प्लांट केवल सिटी के लिए होता है। यदि वेल प्लांट आपका स्ट्रीट के लिए, टाउन्स के लिए बात करते हैं, वेल प्लांट सिटीज, वेल प्लांट टाउन्स, रोड्स के लिए बात करते हैं, उसके लिए आपका रिंग सिस्टम, जिसे हम सर्कुलर सिस्टम भी करते हैं, वो आपका सबसे ज्यादा मैग्निफिसेंट होता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोजर कंडीशन विल ए स्ट्रक्चरल स्टील एलिमेंट टू बी क्लासिफाइड व्हेन एक्सपोज टू कोरोसिव फ्लूम। ठीक है, कोरोजिव फ्लूम के लिए कौन सा एक्सपोजर कंडीशन आपका किसी स्ट्रक्चरल स्टील के लिए आपका होगा। कह रहा है एक्सट्रीम, सीवियर, मॉडरेट, वेरी सीवियर। ठीक है, ये आपका डिफरेंट इन्वायरमेंटल या एक्सपोजर कंडीशन है। ठीक है, यदि माइल्ड है तो आपका कॉन्क्रीट सर्फेस प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेदर होगा और अग्रेसिव कंडीशन होगा वहां पर। यदि आप और कोस्टल एरियाज आते हैं वहां पे, मॉडरेट के लिए यदि बात करते हैं, ठीक है, तो आपका कॉन्क्रीट सर्फेस जो होगा आपका सेल्टर्ड होगा किसी सीवियर रेन और फ्रीजिंग तो होगा। ठीक है, और यहाँ पर मॉडरेट में यदि बात करते हैं, इससे क्वेश्चन पूछ रखा है कोस्टल एरिया में आपका ये आपका मॉडरेट होता है। यदि सीवियर की बात करते हैं, तो आपका फ्लूम्स वाला जो अभी पूछ रखा है क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका फ्लूम्स वाला आपका
जो है किस में आता है, वो आपका सीवियर कंडीशन में आता है, जो कि आपका क्या होता है, ओकेजनली आपकी फ्रीजिंग होती है, अल्टरनेट ड्राइंग होती है, ठीक है, आप कोस्टल इन्वायरमेंट होता है आपका सी साइड में, ठीक है। और यदि वेरी सीवियर की बात करते हैं तो ये आपका एक्सपोज सी वाटर स्प्रे होता है, कोरोजिव फ्लूम होता है, सीवियर फ्रीजिंग कंडीशन होता है इसके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, फ्लूम्स के लिए पूछ रखा है, तो फ्लूम्स के लिए हमारा वेरी सीवियर कंडीशन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेम्पररी एडजस्टमेंट टू ए कंपास्ट कंपास यूज्ड फॉर लैंड सर्वेइंग, ठीक है। करेक्ट, लैंड सर्वेइंग के लिए जब हम कंपास यूज कर रहे हैं तो इनमें से करेक्ट कौन सा आपका टेम्पररी एडजस्टमेंट नहीं है। फोकसिंग द प्रीज, मेकिंग द पिवोट एग्जैक्टली वर्टिकल ओवर द ग्राउंड स्टेशन मार्क, सेंटर टू पिवोट कंसिड विथ कोइंसाइड विथ ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ग्रेजुएटेड लिंग और लेवलिंग, ठीक है। यदि हम बात करते हैं अपने एडजस्टमेंट ऑफ कंपास की, तो यदि टेम्पररी एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो क्या होता है, आपका ट्राइपोड अफिक्सिंग है, ठीक है, आपका सेंटरिंग है कंपास का, लेवलिंग है कंपास का, ठीक है। और इसमें आपका सेंटरिंग को क्या करते हैं, आपका पिवट को एग्जैक्टली आपका जो ग्राउंड होता है उसके ऊपर वर्टिकली रखते हैं स्टेशन मार्क करके, ठीक है। और ये आपका ऑब्जर्वेशन ऑफ बियरिंग है, आपका साइटिंग है, ये सब आपका क्या है, टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट है। यदि हम बात करते हैं अपने परमानेंट एडजस्टमेंट्स की, तो वहां पर आपका एडवांस एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट है, कोलिमेशन का एडजस्टमेंट है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का एडजस्टमेंट है, ठीक है, वर्टिकल सर्कल का इंडेक्स का एडजस्टमेंट, वो सब का परमानेंट एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो इनमें से कह रहा है कौन सा टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट जो है वो नहीं है, फोकसिंग ऑफ प्रिज ये है, लैंड सर्वेइंग के लिए कर रहा। अच्छा, लैंड सर्वेइंग के लिए आप कौन सा टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट यूज नहीं करते हैं, तो आपका लैंड सर्वेइंग के लिए ये आपका सेंटर ऑफ द पिवट कोइंसाइड विद ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ ग्रेजुएटेड लिंब, इसको यूज नहीं कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ए नॉन सेलुलर नॉन रिब फ्लैट स्लैब द स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्सिंग बार्स शैल बी लिमिटेड टू ए मैक्सिमम ऑफ एम टाइम्स द थिकनेस ऑफ द स्लैब वेयर एम इज, कह रहा है आपका कोई फ्लैट स्लैब है जो कि आपका नॉन रिब्ड है, नॉन सेलुलर है, उसके लिए कह रहा है जो आपका स्पेसिंग रेनफोर्स्ड बार का होगा वो मैक्सिमम कितने टाइम्स होता है आपका थिकनेस का, ठीक है। तो एज पर IS 4 5 से यदि बात करते हैं तो स्पेसिंग ऑफ बार्स ऑफ फ्लैट स्लैब वो आपका 2 टाइम से एक्सीड नहीं होना चाहिए स्लैब के थिकनेस से। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे इफ ए सर्वेइंग ड्राइंग इज प्रिपेयर्ड एट ए स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 मीटर देन द व्हाट विल बी द फ्रैक्शन स्केल, ओके, फ्रैक्शन स्केल पूछ रखा है, क्या हो जाएगा फ्रैक्शन स्केल निकालना है, तो 1 सेंटीमीटर, अरे बताना है आपको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना देगा, 4 मीटर, RF बताना है आपको, RF कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर अपन इसको चेंज कर दीजिए, 100 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, ये गया 1 400, ये आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एन स्टैंडर्ड कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट सिंपल हाइट इज 125 mm, द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल डायल गेज रीडिंग इज फाउंड 0.125, व्हाट विल बी द एक्सपेंशन रेशियो ऑफ द सॉइल, ठीक है, सॉइल का एक्सपेंशन रेशियो इस क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है जनरली, ओके, ये भी आपका इजी क्वेश्चन दे रखा है। तो एक्सपेंशन रेशियो क्या होता है, ये हम बात करते हैं एक्सपेंशन रेशियो का, एक्सपेंशन रेशियो, ठीक है, एक्सपेंशन रेशियो क्या होता है आपका, तो एक्सपेंशन रेशियो जो होता है हमारा चेंज इन सिंपल हाइट क्या होता है, इक्वल टू चेंज इन सिंपल हाइट टू द रेशियो ऑफ आपका सिंपल हाइट, सिंपल हाइट, तो आपका चेंज इन सिंपल हाइट कितने तरीका 0.125 mm का चेंज हो रहा है, 0.125, और सिंपल हाइट कितने तरीका 125 mm, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें रैंक द फॉलोइंग फॉर यूजुअल रेंजेस ऑफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इन
डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, आपका हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, कर रहा है वेसिकुलर बेसाल्ट, सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, फ्रैक्चर्ड मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, चलिए इनकी वैल्यू को देख लेते हैं, फिर इनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं अपने वैल्यूज की, तो यहाँ पर यदि हम सैंड स्टोन की बात करते हैं, तो इसका 3 × 10⁻¹⁰ से 6 × 10⁻⁶ की आपका हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी होती है। सिल्ट स्टोन के लिए बात करते हैं 1 × 10⁻¹ⁱ से 1.4 × 10⁻⁸ तक। बसाल्ट की बात करते हैं 2 × 10⁻¹ⁱ से 4.2 × 10⁻⁷ तक। फ्रैक्चर्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक के लिए 8 × 10⁻¹⁹ से लेकर 3 × 10⁻¹⁴ तक रखते हैं। अनफ्रैक्चर्ड इग्नियस और मेटामॉर्फिक के लिए 3 × 10⁻¹⁴ से आप 2 × 10⁻¹⁰ तक रखते हैं। और लाइम स्टोन के लिए 1 × 10⁻¹⁹ से आपका 6 × 10⁻¹⁶ तक रखते हैं। अब आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले क्या आ जाएगा, आपका मेटामॉर्फिक वाला सबसे पहले आ जाएगा। सो लाइम स्टोन टेबल्स आप देख सकते हैं, उसके बाद सैंड स्टोन और उसके बाद बसाल्ट। तो ऑप्शन में सही ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, सही ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका सही क्या आएगा, पहले क्या रखेंगे, ठीक है, पहले हम क्या रखेंगे आपका, तो इसमें पहले बसाल्ट आ गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है हमें, ठीक है। उसके बाद क्या रखेंगे, फ्रैक्चर ये रखेंगे, तो ए हो गया, डी हो गया। उसके बाद क्या रखेंगे, तो लाइम स्टोन रखेंगे, तो सी हो गया। उसके बाद सैंड स्टोन, तो बी। तो हमारा सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा, ये, ठीक है, इसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे, ए प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन एल व्हेन लोडेड विद ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ इंटेंसिटी पी विल हैव ए बेंडिंग मोमेंट एम एट द फिक्स्ड एंड वेयर एम इज, ठीक है। तो आपको बेंडिंग मोमेंट के लिए एम की वैल्यू पूछ रखा है, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं अपने प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम के लिए, यदि प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम के, ये आपको डायरेक्टली याद रखने और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये सारे चाहे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए है, कैंटिलीवर बीम के लिए आपको याद रखने हैं। यदि प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है और उस पर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रखा है, तो मूवमेंट जो है फिक्स्ड एंड पे जो आती है, वो आती है WL²/8 की। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होता है। यहाँ पर आप सोल्यूशन देख सकते हैं पूरा, लेकिन इतना सोल्यूशन पेपर में करेंगे नहीं, ठीक है। तो आपको ये डाटा याद रखने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ बैलेंसिंग कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट ऑफ ए थ्रोडोलाइट ट्रैवर्स, ठीक है। यदि हम मेथड ऑफ, यहाँ कह रहा है ना कि इनमें से कौन सा जो है मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ थ्रोडोलाइट एडजस्टमेंट नहीं है, कर एक्सिस मेथड, बॉटिज मेथड, सिम्पसन मेथड और ट्रांजिट रूल मेथड। यदि मेथड ऑफ ट्रैवर्स का एडजस्टमेंट की बात करते हैं, तो कौन कौन सा है, तो आर्बिट्रेरी मेथड, बॉटिज रूल है, ट्रांजिट रूल है, एक्सिस मेथड है, लेकिन सिम्पसन मेथड जो है ये आपका एरिया कैलकुलेशन में यूज में आता है, ठीक है, एरिया कैलकुलेशन। कौन सा नहीं है कह रहा है, तो ये नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ए रेक्टेंगुलर बार इज सब्जेक्टेड टू टॉर्जन, व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। आपका रेक्टेंगुलर बार है, उस पर टॉर्जन सब्जेक्ट हो रहा है, तो मैक्सिमम आपका शियर स्ट्रेस कहाँ आता है। एक्चुअली हम रेक्टेंगुलर बार के लिए बात करते हैं, रेक्टेंगुलर बार के लिए, ठीक है, रेक्टेंगुलर बार के लिए यदि हम बात करें, तो इसमें मैक्सिमम जो आपका शियर स्ट्रेस जो आता है, वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिडिल ऑफ लॉन्गर साइड पे आता है। और यदि मान लीजिए आपका सर्कुलर बार होता है, सर्कुलर बार होता, ये आपका सर्कुलर बार होता, सर्कुलर बार के सेंटर पे तो जीरो हो जाता है, पेरीमीटर पे मैक्सिमम होता है, पेरीमीटर पे आपका मैक्सिमम होता उसमें, ठीक है। यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिडिल ऑफ द लॉन्गर स्पैन, तो ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्लेन टेबल सर्वेइंग ए टाउनशिप वेयर क्लियरिंग आर रेयर एंड डिस्टेंस व्यूज आर सेल्डन अवेलेबल, ठीक है। यदि आप जा रहे हैं टाउनशिप में और वहां आप प्लेन टेबल सर्वेइंग कर रहे हैं और आपका जो आपका क्लियरेंस नहीं है, ठीक है, आपका जो डिस्टेंस है वो आपका उसके बीच में कोई क्लियरेंस नहीं दिख रहा है, तो वहां पर जो हम ट्रैवर्सिंग मेथड का उपयोग करते हैं, तो वहां पर हमारा जो ट्रैवर्स मेथड यूज करते हैं, ठीक है, वहां प्लेन टेबल में जो मेथड यूज करते हैं वो हमारा ट्रैवर्सिंग मेथड
यूज में लाया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। जनरली आपका कोई नैरो स्ट्रिप है ऑफ ट्रेन है, वहां पर सर्वेइंग कर रहे हैं, तो हम जैसे आपका एग्जाम्पल सर्वे रोड है, रेलवे, इन सब के लिए हम किसके लिए यूज करते हैं, तो उसके लिए हम ट्रैवर्सिंग मेथड को यूज में लाते हैं। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एवरेज नेट मास ऑफ सीमेंट पर बैग इन इंडिया इज, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रखे हैं इस पेपर में। आपका एवरेज नेट मास सीमेंट पर बैग के लिए पूछ रखा है। चलिए कुछ और एडिशनल चीजें देख लेते हैं। बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 kg/m³, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं 3.15 लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट पर बैग तो आपका 0.035, नंबर ऑफ सीमेंट बैग इन 1 m³ अप्रॉक्स 30 होता है आपका, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार 30% लेते हैं वेट मोर्टार का, वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोर्टार की बात करते हैं तो 1.3 वॉल्यूम ऑफ वेट मोर्टार लेते हैं, और नेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट पर बैग तो 50 kg की बैग होती है हमारी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एज द वाटर टू सीमेंट रेशियो इंक्रीजेज द फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है, यदि हम वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारी वर्केबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी, बट एज पर एब्राम्स लॉ आपकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होने लगी। वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज करेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमारी क्या होने लगती है, वो डिक्रीज करने लगती है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑब्जर्वेशन ऑन ए हाइड्रोलिक जम वेयर मेड एंड इट वॉज ऑब्जर्व दैट द सिक्वेंट डेप्थ रेशियो इज 5, दिस जम्प कैन बी क्लासिफाइड एज, ठीक है, ये आपका डेप्थ रेशियो निकालने पर 5 आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है डेप्थ रेशियो निकालने पे, मीन्स आपका, ठीक है। तो यदि हम प्रॉड नंबर के अकॉर्डिंग यदि बात करते हैं तो ये आपका जो रेशियो होता है y2/y1 का, जो y2/y1 का रेशियो जो 5 दे रखा है, ये क्या होता है, ये रेशियो आपका क्या होता है, ये होता है आपका 1/2 अंडर रूट में आपका 1 प्लस आपका 8 FR², ठीक है, 8 आपका FR², ये आपका होता है -1, ठीक है, -1 ये आपका होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो y2/y1 का रेशियो तो आपको दे रखा है कितना, ये आपको दे रखा है 5, ठीक है, 5 = कितना 1/2 अंडर रूट में आपका ये हो गया 1 + 8 FR² -1, ये आ जाएगा 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा तो 11 हो जाएगा, तो 11 = आपका, और इसका स्क्वायर कर लेते हैं, चलिए 11 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, 11 का स्क्वायर तो ये भी हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना 1 + आपका 8 FR प्रॉड नंबर स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं FR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, FR 121, 1 जाएगा माइनस तो 120 हो जाएगा, ठीक है, तो FR की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, अंडर रूट में 120, ठीक है, 120/ कितनी 8, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो FR की वैल्यू कितनी आ गई 3.87, ठीक है, 3.87 FR की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर FR का रेंज दे रखा है, ये वैल्यू किसके बीच में आ रही है हमारी 3.87, ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ रही है किसमें, तो ऑसिलेटिंग में, ठीक है, ये वैल्यू हमारी इस रेंज में आ रही है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा यूनिक क्वेश्चन एक दे रखा था। अरे एज पर द टर्मिनोलॉजी फॉर टिम्बर द एंगल बिटवीन द फेस ऑफ द कटर एंड द लाइन ज्वाइनिंग द कटिंग एज ऑफ द सेंटर ऑफ ब्लॉक इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो यदि आपका टर्मिनोलॉजी कह रहा है, आपका टिम्बर के लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं, यदि कह रहा है आपका द एंगल बिटवीन फेस ऑफ द कटर एंड द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ कटिंग एज, ठीक है, वो आपका क्या कह रहा था, वो उसको हम कहते हैं कटिंग एंगल, जो आपका कटर और आपका जो है फेस ऑफ द टिम्बर के बीच जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं कटिंग एंगल। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे ए सॉइल वॉज टेस्टेड इन ए नेशनल रिसर्च सेंटर एंड इट्स लिक्विड लिमिट वॉज फाउंड 15% एंड प्लास्टिक इंडेक्स वॉज फाउंड 3%। अकॉर्डिंग टू कैसल ग्रैंडेस प्लास्टिसिटी चार्ट विच टाइप ऑफ सॉइल इज ओके, ठीक है, यहाँ पर हम कैसल ग्रांडे के प्लास्टिसिटी चार्ट की बात करते हैं तो वहां पर हम ए लाइन का इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है,
आपका 0.73, ठीक है, तो आपका 0.73 लिक्विड लिमिट, मीन्स 15 दे रखा है, और सॉरी 15 माइनस लिक्विड लिमिट लेते हैं तो लिक्विड लिमिट हमारे 20 दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, लिक्विड लिमिट माइनस 20, वन सेकेंड, डब्ल्यू एल माइनस 20 लेते हैं, ठीक है, डब्ल्यू एल माइनस 20 यहाँ पर, यहाँ कितना आ जाएगा, तो आपका ए लाइन के लिए जो हमारी प्लास्टिसिटी आईपी जो आएगी, आईपी इक्वल टू ये आईपी कितना निकल के आएगी, 0.73 इंटू आपका ये कितना हो जाएगा, -5, ओके -5 आ रहा है ये, तो ये आपका वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3.65, इसका मतलब ये जीरो से भी कम है, तो ये अबव ए लाइन जाएगा, ये आपका अबव ए लाइन जाएगा, अबव ए लाइन जाने का मतलब तो ये आपका जो है अबव ए लाइन चला गया, तो क्या हो जाएगा ये आपका सॉइल, और वैल्यू आपकी आईपी की जो है वो आईपी की वैल्यू कितनी, 3 से भी आपका आईपी की वैल्यू 3 है, जब हम आपका ए लाइन इक्वेशन देखते हैं तो अबव ए लाइन जाएगा, और ये आपका हो जाएगा एमएल हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है इफ द बीओडी इन द बिगिनिंग एंड इन द एंड ऑफ टेस्ट रिस्पेक्टिवली 13 एंड 8 PPM, ओके बीओडी दे रखा है 13 और 8 PPM का, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड इफ द डाइल्यूशन फैक्टर इज 100, देन द 5 डे बीओडी आपको पूछ रखा है पीपीएम में, ठीक है, तो आपका बीओडी 5 की बात करते हैं, क्वेश्चन बीओडी 5 क्या होता है आपका, तो आपका डीओ लेते हैं सिंपल का, डीओ इंटू आपका क्या होता है आपका वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल, वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल अपॉन आपका क्या होता है वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सीवेज सैंपल, वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल सॉल्व कर लेते हैं, आप निकल कर आ जाएगी, तो डीओ कितना दे रखा है आपका बिगिनिंग इन द इतना, तो आपका ओके 13 और 8, तो डीओ निकल जाएगा कितना, 13 माइनस 8 पूरा आपका डाइल्यूशन फैक्टर, इसको डाइल्यूशन फैक्टर कहते हैं, डाइल्यूशन फैक्टर 100 का दे रखा है, तो कितना आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो ये आपका 500 PPM, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, कह रहा था एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कंक्रीट ऑफ M65 ग्रेड एज पर IS 456, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, इलास्टिक मॉडुलस पूछ रखा है, ठीक है, आपको कंक्रीट का एज पर IS 456 पूछ रखा है इलास्टिक मॉडुलस, और FCK की वैल्यू आपको M65 मतलब 65 दे रखा है, तो ES पूछ रखा है आपको, EC पूछ रखा है, EC क्या होता है 5000 अंडर रूट FCK, क्या हो जाएगा 5000 अंडर रूट 65, सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी निकल कर आएगी हमारी, 40 GPa निकल कर आएगी, लगभग 40 GPa आएगी, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से ये पेपर हमने पूरा सॉल्व कर लिया, बाकी आप लोगों के लिए यदि ये लेक्चर हेल्पफुल रहा हो तो आप लेक्चर को शेयर कीजिएगा, बाकी अगर किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फेसबुक पेज से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।